नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाएंगे पापड़ से एक बहुत ही सुंदर सी रेसिपी जो बहुत ही हेल्दी भी होगी। इसके लिए हमने एक कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल लिया है, एक चम्मच जीरा डाला है, दो बड़ी इलायची डाली है, ये दो बड़े प्याज डाले हैं, तीन हरी मिर्च डाली है, एक शिमला मिर्च डाली है। सबको फ्राई कर लेते हैं। अभी ये दो आलू डाले हैं हमने और इनको भी अच्छे से फ्राई करेंगे। और जब ये अच्छे से फ्राई हो जाए तब इसके अंदर भिंडी डालेंगे जो हमने 250 ग्राम के करीब ली है। और इनको भी अच्छे से फ्राई करना है हमें। फिर हमें मसाले डालने हैं। आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाला है, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाला है, स्वादानुसार नमक डालेंगे। और अच्छे से मिक्स करेंगे मसालों को। कुछ देर तक फ्राई करेंगे मसाले ताकि अच्छे से मिक्स हो जाएं वेजिटेबल और मसाले अपने। और अभी हमें इसको धीमी आंच पर पकाना है। ये एक बड़ा टमाटर डाला है हमने और अभी हम इसको ढककर पकाएंगे धीमी आंच पर। पानी बिल्कुल नहीं डालना है हमें और आप बराबर चलाते रहिए वरना नीचे लगने का डर रहेगा। और ये लीजिए, सब्जी बनकर तैयार है। हमने चार पापड़ लिए हैं और एक गिलास पानी डाल लिया हमने। ये एक थाली लिए उसके अंदर और पापड़ को भिगोएंगे थोड़ा सा। ज़्यादा देर नहीं रखना है, तुरंत निकाल लेना है एक तरफ से पूरा भीगने के बाद दूसरी साइड। और बस पूरा पानी आप निकाल लें अच्छे से ऐसे करके। और फटाफट से इसको हमने एक चकला लिया है जिस पे रोटी बनाते हैं हम, उसके ऊपर रख दिया। सारा पानी हमने उसका निकाल दिया और इसको फटाफट से बनाना है। और आप चाहें तो इसको सूती कपड़े पर रखकर, पापड़ का ज़्यादा पानी है वो पहुंच सकते हैं, कपड़े से इसको सुखा सकते हैं। अभी हम दोनों तरफ से इसको ऐसे पलटेंगे और जैसे नॉर्मल रोल बनाते हैं उसी तरह हम इसका रोल बनाएंगे। और देखिएगा, बहुत ही अच्छे वाला रोल बनकर तैयार होगा। और ये काम आपको फटाफट करना है और पानी होगा तो ये अच्छे से चिपक जाएंगे। और नीचे की साइड से ही इसको पकड़ के ऐसे उठाना है और अलग रख देना है। और फिर हमने एक पैन फ्राई में तेल गरम कर लिया अच्छे से। बहुत अच्छा तेल गरम होना चाहिए तभी इनको रखना, वरना तेल से ये भर जाएंगे ज़्यादा। और एक तरफ से फटाफट से ये सिक जाएंगे तो इनको दूसरी तरफ पलट देना है। ध्यान रखने वाली बात है कि तेल बहुत ही गर्म होना चाहिए वरना इनमें तेल ज़्यादा भर जाएगा। और ये ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं और फटाफट आपके रोल तैयार हो जाएंगे। बहुत ही करारे करारे क्रिस्पी टोस्ट, चटनी कैसे भी खाएं ऐसे भी खा सकते हैं। और ये लीजिए, दो और बनाए हैं हमने, इनको भी फ्राई कर लिया। ये लीजिए, हमारे सारे रोल बनकर तैयार हैं। पापड़ रोल देखिए कितने करारे बने हैं। अभी काट के दिखाएंगे आपको कितने करारे हैं। चाकू की सहायता से हम काटेंगे। देखिए कितनी आवाज़ आ रही है, पता लग रहा होगा कितने करारे हैं। ये अंदर से इतने ही सॉफ्ट हैं और बहुत टेस्टी हेल्दी रेसिपी है फ्रेंड्स। तो एक बार ज़रूर ट्राई करना। मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं
तो सब्सक्राइब करें। तो बनाइए फटाफट से पापड़ रोल, खाइए और सबको खिलाइए।